नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर छतरपुर के बक्सवाहा से है, जहां पर एक रिटायर्ड सैनिक को कुछ लोगों ने घर में घुसकर मार डाला था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बीती 26 अक्टूबर को हुए रिटायर्ड सैनिक अहिवरण सिंह की हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिवाली के दिन कसेरा निवासी अहिवरण सिंह की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि नाबालिग सहित 3 आरोपी चोरी के उद्देश्य से घर में घुसे थे, जिसके बाद आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया था। 27/10 की दरमियानी रात में मृतक फौजी जो अहिवरण सिंह जी थे, कसेरा गांव में अपने बच्चों से अलग अपना निवास बनाकर अपनी इच्छा, अपनी स्वेच्छा और अपनी खुशहाल जिंदगी जीते थे, पर उनका अलग रहने के अंदाज से नए उभरे कुछ बदमाशों को लगा कि इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होगी। उस उद्देश्य को लेकर के 3 बदमाशों ने उनको पहले गला घोंट कर मारा और उसके बाद दैनिक उपयोग में आने वाली छुरी से उनका गला रेत दिया। उनके पुत्र ने इस बात की FIR दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने धारा 302 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया और अनुसंधान प्रारंभ किया। मौके पर हमारे SDOP महोदय श्री RR साहू और थाने का पूरा समस्त बल और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में प्रकरण का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और घटनास्थल और मुखबिर की जानकारी के आधार पर मिले सूत्रों के अनुसार 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी है धर्म अहरवार जो ग्राम सगोरिया का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी है रवि उर्फ दुदू आदिवासी जो बमोरी रोड पर कुटी बनी हुई है उन पर निवास करता है, और तीसरा आरोपी जो है अहरवार मोहल्ले में बाजना रोड पर प्रकाश अहरवार पिता कलू अहरवार है जो नाबालिग है, 16.5 साल का है। इन तीनों ने दिनांक घटना के पहले प्लान बनाया और एक धन के लालच में हमारे फौजी अहिवरण सिंह की नृशंस हत्या कर दी थी। इन तीनों से जो माल अहिवरण सिंह जी के यहाँ से ले गए थे, चांदी और नकदी में कोई विशेष नहीं मिला था, सिक्के थे 450 रुपये के और चांदी के कोई छोटे छोटे पायल है, बिछोड़ी है, ये जेवरात थे। इनने प्रयास भी किया इसको खपा दिया जाए। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।